सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 115। एक वृत्त खींचो जो ए बी रेखा के बाहर ज्ञात बिंदु पी से गुजरे और दी हुई रेखा ए बी को स्पर्श करें। वृत्त का अर्धव्यास ए के समान दिया है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, दी हुई ए बी रेखा है, तो हमने सबसे पहले ए बी रेखा लेनी है। ये हमारी ए बी रेखा है, ए और बी रेखा है। एक हमें क्या दे रखा है, अर्धव्यास दिया हुआ है, तो यहां पे हम अर्धव्यास ले लेते हैं। एक ये आपका अर्धव्यास है और इस अर्धव्यास का नाम हमें दे रखा है ए। इसके बाद एक इसमें दिया हुआ है पॉइंट पी, तो ये आप मान के चलो ये हमारा पॉइंट आ गया पी। और हमने कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमने अर्धव्यास के जितनी ये अर्धव्यास के जितनी हमने प्रकार खोलनी है और ए से भी चाप लगा दो और बी से भी चाप लगा दो। इस तरह से इन चापों को आपस में मिला दो ऊपर से, डॉटेड हम इनको मिलाएंगे। इस तरह से अब हमने क्या करना है, जितना अर्धव्यास आपका है प्रकार हमारी उतनी खुली हुई है, पी पॉइंट से हमने इस रेखा को काट देना है। इस तरह से जो ये आपने दो चापे लगाई थी इनके नाम हम दे देते हैं सी और डी। जहां पे ये रेखा आपकी कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया ओ। आप चाहो तो ओ और पी को मिला भी सकते हैं, यहां से ये आपका ओ पॉइंट है, यहां से आप इसको मिला भी सकते हैं इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ओ पॉइंट पर प्रकार रखना है, तो प्रकार आपका उतना ही रहेगा जितना आपका अर्धव्यास के बराबर है। आपने क्या करना है, ओ पर प्रकार रखो, प्रकार आपका उतना ही खुला है क्योंकि देखिए ये पी तक भी आ रहा है और नीचे भी है, ये ए भी रेखा को यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो आपने इसको यहाँ पे जो है वो सर्कल लगा देना है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और ये आपका जो है जहाँ पे ए बी रेखा पे कट रहा है यहाँ भी आप इसका पॉइंट का नाम दे सकते हैं, ये हम नाम देते हैं ई। और ये आपका प्रश्न नंबर है 115, ये आपका बन के तैयार हो गया। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 116। एक वृत्त खींचो जो तीन असमानांतर रेखाओं ए बी सी डी ई एफ को स्पर्श करे। तो तीनों रेखाएं अलग अलग दी हुई है, कोई कॉमन इसमें बिंदु नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने तीन रेखाएं लेनी है जो हमें दी हुई है। तो हमारे को दी हुई है ये ए बी रेखा है, ए बी, और एक हमें दे रखी है सी डी रेखा दी हुई है, एक हम ले लेते हैं सी डी रेखा ले लेते हैं, एक हमें दे रखी है ई एफ, तो एक हम ले लेते हैं ई एफ रेखा ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये रेखा लेनी है, इस तरह से हम रेखा ले लेते हैं, इस रेखा का नाम हम दे देते हैं ई और एफ। अब हमने क्या करना है, जैसे ही आपकी ए बी रेखा है इसको थोड़ा आपने आगे को बढ़ाना है डॉटेड, और यहां से आपने ए ई और डी जो रेखा है इसको भी हमने थोड़ा आगे को ऐसे बढ़ा देना है ताकि आपस में मिले। ये आपका एक पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं जी। अब आपने क्या करना है, ये सी डी रेखा को भी आगे बढ़ा देना है यहाँ से इस तरह से, और आपने सॉरी ये है आपका सी डी और ये आपका ई एफ, ये आपका ई एफ है, इस रेखा को भी आपने आगे बढ़ा देना है जहाँ पे ये इस रेखा को काटेगा सी डी रेखा को, ये आपका पॉइंट आ गया एच, ये हमारा पॉइंट एच आ गया है। अब हमने क्या करना है,
जो आपका ये जी कौन आ रहा है, ये आपका जी कौन है, इसका आपने समधि भाजन कर देना है यहाँ से। इस तरह से आपको पता ही समधि भाजन हम कैसे करते हैं, एक इस तरह से हम चाप लगाएंगे, यहाँ से हम इसका आधा कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम जो है वो दूसरी चाप लगाएंगे इस तरह से, इसका आधा हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ से हम जो है लाइन लगा देंगे जी से। और ये चाप रही है इसके भी हम और चाहे तो आप नाम दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ से हम यहाँ से डॉटेड लाइन लगा देंगे जहाँ पे ये चापें आपस में कट रही है, इस तरह से। अब हमने जो आपका एच कोण है इसका भी हमने समधि भाजन कर देना है यहां से इस तरह से, और यहां से भी चाप आ जाएगी, और यहां से भी ई पॉइंट से भी आपकी एक चाप आ जाएगी जहां ही आपस में कटेगी चापे, ये जहां पे आपस में चापे कट रही है इसको हम मिला देते हैं यहां से। इस तरह से जहां ये लाइनें आपस में कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया ओ। ये पॉइंट आपका आ गया ओ। ओ से आपने ए बी रेखा पे एक लंब गिराना है, यहां से हम लंब गिराएंगे, हमने इतनी प्रकार खोलनी है ताकि हमारा लंब जो है वो सही आ जाए। यहां से आप देख सकते हैं इस तरह से हम चाप लगा देंगे, लंब गिराने का ये तरीका होता है इस तरह से। अब जहाँ पे दो पॉइंट आए आपका एक ये पॉइंट है, तो यहाँ से हम चाप लगा देंगे इस तरह से, एक आपका ये पॉइंट है, यहाँ से हम जो है इस चाप को काट देंगे इस तरह से इस तरह से। अब जहाँ पे ये दोनों चापें आपस में कट रही है ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, इसको हमने मिलाना है ओ के साथ, यहाँ से इसको हम मिलाएंगे ओ पॉइंट के साथ, ये आपका ओ पॉइंट है, इसके साथ हम इसको मिला देंगे इस तरह से। और ये जो आपका पॉइंट आ रहा है ए बी पे, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं आई। अब आपने क्या करना है, यहां से ओ से आई जितनी प्रकार खोल के आपने सर्कल लगाना है। हमने क्या करना है, ओ पॉइंट पे प्रकार रखना है, यहां से हम आई जितनी प्रकार खोल के हम यहां से सर्कल लगा देंगे इसमें, और ये जो सर्कल आपका आएगा ये तीनों रेखाओं को छूता हुआ निकलेगा इस तरह से। ये हमारा जो प्रश्न है 116 प्रश्न है ये हमारा बन के